दोस्तों, धरती की शान, प्रभु का वरदान और उस जिसकी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तो बड़ा बलवान है। दोस्तों, सृष्टि का जब से उद्भव हुआ है तब से लेकर आज तक का इतिहास रहा है कि सृष्टि पर, जीव सृष्टि पर अनेक विपदाएं, आपदाएं, आफत हमेशा आई है, किंतु जीव सृष्टि इसके सामने न कभी हारी है न कभी झुकी है, क्योंकि उसकी मुट्ठियों में बंद तूफान है, ताकत है, हौसला है। वो न कभी हारती है, न कभी थकती है, न कभी झुकती है। ये मनुष्यता है, हमेशा आगे बढ़ती है, जीतती है। दोस्तों, तो ऐसी ही महामारी एक बार फिर से सृष्टि पर हावी हो गई है। पूरा विश्व इसके सामने झुक गया है और दोस्तों इस प्रकार से लड़ रहा है जैसे एक बड़ी मुश्किल के सामने। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है कि बड़े मुश्किल हो फिर भी जो आदमी है, मनुष्य है, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है। दोस्तों, विश्व का कोई भी कोना ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए, दोस्तों यहां पर एक बात, एक समझने की बात यह है कि महासत्ता बनने की होड़ में कितने सारे लोग, कितना देश, कितने विश्व, सारे लोग एक दूसरे के गला काटने में लगे हुए थे। अब देखिए कि समुद्र की सीमा हो या जमीनी सीमा हो, कोई भी सीमा हो, हमेशा देश लड़ते हैं सीमाओं। ये मेरा आदमी आदमी से लड़ता है, मनुष्य मनुष्य से लड़ता है, जीव जीव से लड़ता है। मेरा मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ मेरा, ऐसी भावनाओं के कारण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है, इस भावना की कद्र न करते हुए जब व्यक्तिगत भावनाओं का विकास होता है, व्यक्तिकता, समष्टि जब एक तरफ हो रही है और व्यक्तिकता का विकास हो रहा है, तब ऐसी महामारी आना बहुत ही संभव है। दोस्तों, किंतु आज के युग में ऐसी महामारी आ गई है और काफी देश इसके सामने लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों 50 दिन से ज्यादा का समय लॉकडाउन का हो गया है, तो क्या लॉकडाउन हमेशा रहेगा? एक न एक दिन लॉकडाउन जरूर खत्म होगा। मनुष्य को अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है उसको फिर से पटरी पर लाना पड़ेगा। तब क्या होगा, सोचा है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्या होगा आगे? लॉकडाउन है तब तक आप घर में हैं, अच्छा है, लोग अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं, लोग अपनी जो दिनचर्या है उसको पोस्ट कर रहे हैं, बच्चे हैं, युवा वर्ग है जो टिकटॉक पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार, मैं समझ रहा हूं कि प्रतिदिन 2 से 3 घंटे इस सोशल मीडिया पर बिता रहा है। काफी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीख रहे हैं, काफी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। तो ये दोनों पहलू तो होते ही है किसी भी बात के, आप उसमें से क्या लेना है, क्या सीखना है, वो आपके ऊपर है कि आपको अच्छा सीखना है या बुरा सीखना है। क्योंकि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, किंतु उसमें से आप क्या सीख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। ऐसे सोशल मीडिया पर लोग आजकल बहुत है, किंतु इसके बाद लॉकडाउन फौर आने की संभावनाओं को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि लॉकडाउन फौर नए नियमों के अनुसार होगा। तब क्या करेंगे? क्या आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे? बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, कॉलेज भेजना पड़ेगा, जॉब पे जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, कहीं घूमने भी जाना पड़ेगा, बाहरी शहरों में भी जाना पड़ेगा, गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, बस में जाना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, हवाई मुसाफरी करनी पड़ेगी। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना होगा? कल
प्रधानमंत्री जी ने एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया है, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता किसकी? आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता तो है ही है, किंतु व्यक्ति को मानसिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर देना पड़ेगा। कौन किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये समझने की बात है कि किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना के साथ हमें उसके साथ रहकर जिंदगी जीनी है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक आध महीने में आप फिर से लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन 5 जो भी होगा, तो लॉकडाउन होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर आप जैसे जी रहे थे वैसे बिंदास जियोगे। नहीं, ये परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन के दौर में आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव होगा, जरूर होगा, पर किस प्रकार का बदलाव होगा ये भी समझने की जरूरत है दोस्तों। तो सबसे पहली शर्त यही है दोस्तों कि आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। लॉकडाउन 4 हो या 5 हो, जो भी हो, ये तो लॉकडाउन आएगा, खत्म ही हो जाएगा, फिर भी आपको आपकी लाइफस्टाइल को फिर से बदलाव की जरूरत है। आपको बाजार में निकलना है, अगर आपको पब्लिक प्लेस पे जाना है, अगर आपको फिर से रूटीन लाइफ को जीना है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनिटी क्या है? आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना ऐसे लोगों को शिकार बनाता है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम है, या वो पहले से किसी और रोग से ग्रसित है। तो ऐसे में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए दोस्तों? तो लाइफस्टाइल में किस प्रकार के बदलाव करें? तो सबसे पहले सुबह में मान लीजिए कि आपको योग जो है वो पूरे विश्व ने अभी स्वीकार है, तो योगचर्या को आपके दैनिक जीवन में शामिल कीजिए। अब देखिए, कोरोना सबसे पहला हमला अपने जो आपकी श्वासोश्वास की जो सिस्टम है उस पे करता है। तो कुछ ना करें तो सिर्फ अनुलोम विलोम आप करते रहिए, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती जाए, श्वासोश्वास की क्रिया जो है वो और बढ़े, तेजी से बढ़े। तो ये आपको योग की जो क्रियाएं है, और करें ना करें इतना जरूर करें, तो इसके द्वारा आपकी इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ेगी दोस्तों। दूसरा, गर्म पानी पीने की आदत डालिए, गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। दूसरी बात ये, क्योंकि गर्म पानी जो है वो फेफड़ों को साफ करता है। और आप देखिए कि कोरोना का जो शिकार हो ऐसे लोग होते हैं जो गले के में सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होती है, तो सबसे पहले गले से निकलता है, नीचे उतरता है, फेफड़ों में उतरता है। तो गर्म पानी पीने से क्या होगा कि उसका नाश हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीने की आदत डालिए। मैं ये समझता हूँ कि सुबह से लेकर आप 2-3 बार या 4 बार जितनी बार हो सके तकरीबन थोड़े थोड़े समय अंतर में गर्म पानी पीते रहिए। मैं समझता हूँ कि सुबह अगर आप उठते हैं उसके बाद आप गर्म पानी में हल्दी नींबू डालकर आप अगर पी सकते हैं तो ये बहुत फायदेकारक है, आप इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। ये बात भी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार अगर आप लहसुन अदरक और काली मिर्च तीनों को मिलाकर पेस्ट बनाकर अगर आप उसको पी लेते हैं या खा लेते हैं तो भी ये बहुत फायदेकारक है। किंतु उसको आप क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब उनको ऐसा कुछ सुझाव मिलता है तो इस पर टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज का उपयोग उसकी सीमा में होना चाहिए। जैसे कि लोगों को पास धीरज ही नहीं, अगर आप उनको कोई उपयोग बताएंगे, सुझाव देंगे, तो उसका पूरा देखेंगे कि बस किसी पर टूट पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को उसका डोज समय अनुसार होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये ले सकते हैं। ये मैं जो बातें बता रहा हूं ये आगे भी लोगों ने बताई हुई है, फिर भी आप ये जरूरी है, मैं भी न्यूज चैनल्स या आदि जहां से मुझे ये इसके सोर्स मिल रहे हैं उससे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो ये एक करने की जरूरत है। दूसरा है कि मास्क अपने जीवन में उसको आपको एक साथीदार के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा, आप कहीं भी जाए मास्क को कंपलसरी लगाए। मैंने एक फेसबुक पे लेख लिखा हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा, राजेश राठौड़ फेसबुक में, उसको मास्क की कैसी उपयोगिता है, मास्क कैसे बना, उसका क्या उपयोग है, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। तो मास्क आपको कंपलसरी पहनना पड़ेगा जब भी आप बाहर जाए दोस्तों। इस प्रकार से लोग डर रहे कि कोई छींकता है तो भी लोग भागते हैं,
तो इस प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बुखार होता है या जो आपको खांसी होती है, सर्दी होती है, जो भी है, वो ये वातावरण के द्वारा भी हो सकता है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल जब भी भेजे, कभी आप मान लीजिए अगस्त में हो, सितंबर में हो, जब भी आपको स्कूल में भेजना हो, तो ऐसी उसको सैनिटाइजर दीजिए, उसको मास्क लगाना सिखाइए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, दूसरी चीजों को मत छूना या बार बार साबुन से हाथ धोना आदि बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि आप नाश्ते देंगे वो कहीं भी छूता है और फिर सीधा नाश्ता करने चला जाता है, वो भूल जाता, तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल में संचालकों को वो भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जब स्कूल और कॉलेज शुरू होगी तब हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहां क्या होता है कि भिन्न भिन्न एरियाज में, भिन्न भिन्न जगहों से बच्चे आते हैं, तब पता नहीं होता कि किस जगह से कौन आ रहा है, दूसरा की किस जगह पर क्या स्थिति है, हमें मालूम नहीं होता है, और ये वायरस ऐसा है तो आप लेने नहीं जाएंगे तो ये नहीं आएगा, इसीलिए आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होगी। दूसरा, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि आपके आसपास अगर कोई ऐसा कोरोना से ग्रसित व्यक्ति हो तो तुरंत आपको समझ में आ जाए। दूसरा, कि आप इस बातों से अपडेट रहे, आपको समझ में आए कि अपने आसपास के एरिया में, अपने जो दायरा है उसके भीतर कौन कोरोना ग्रस्त है, कौन आया है, कौन होम क्वारंटाइन है, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। दूसरा, कि आपको और बातों को भी समझाया जाएगा। काफी लोगों को गाइडलाइंस के अभाव में लोग क्या करते हैं कि जो डिस्पोजल मास्क है वो कई कितने दिनों से पहने हुए, मैला हो जाता है फिर भी वो पहन के घूम रहे है, तो दोस्तों डिस्पोजल मास्क आपको फेंक देना है एक बार यूज करने के बाद, फिर भी लोग पहनते हैं, उनको लगता है कि मैंने मास्क लगाया, जो मानसिक जो संतुलन, मानसिक जो उसको संतुष्टि है वो मिलती है कि मैंने मास्क लगाया हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से अगर ये मास्क लगा है तो आपको फेंक देना है। ऐसे मास्क आप ऐसे वॉशेबल मास्क रखिए ताकि आप इसे धो के पहन सके, या तो सैनिटाइज करते रहिए। दोस्तों आप जब भी ट्रैवलिंग करें, ट्रेन में जाए, बस में जाए, जहां भी जाए, तो आपको आप अपनी आत्मनिर्भरता स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी सरकार पर डाल देंगे या किसी दूसरे व्यक्ति पर, प्रशासन पर डाल देंगे, प्रशासन आएगा और आपको कहेगा कि मास्क लगाइए, प्रशासन आएगा या आपको कहेगा कि भीड़ में इकट्ठे मत होइए, किसी व्यक्ति से सोशल डिस्टेंस रखिए, तो ये सारी बातें जो है वो आपको कब तक सिखाई जाएगी। हम सब एजुकेटेड है, एक एजुकेटेड व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति को इन बातों से समझाएगा तो और भी लोग जागृत होंगे, और कोरोना का डर ही ऐसा है कि लोग जो है आप उसको समझाएंगे इन बातों का ध्यान रखना है तो वो ध्यान रखेंगे। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा दूसरी चीजों की परवाह करते हैं, जैसे कि वो फाकी खाते हैं, मावा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट, दारू। अब देखिए कि बीच में अभी दारू की दुकान खुली थी तो लाइन लग गई, तो अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि अमेरिका वालों को लगा कि क्या वैक्सीन मिल गई भारत वालों को, क्योंकि लाइन में लग गए लोग। तो ये ऐसी बातें होती है दोस्तों, ये इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसका मना करेंगे वो लोग ज्यादा करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। ये मजाक की या ये आपको बहुत ही गंभीर होने की बात है। अगर आप अगर कोरोना ग्रस्त होंगे तो आप न जाने कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे, कितने लोगों को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो है कि अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपका पाप उस पर लगता है, तो आपका कर्म ऐसा होना चाहिए, आप पौराणिक मान्यताओं वाले लोग हैं हम, तो हम यही चाहेंगे कि हमसे कोई दुखी न हो, हमसे कोई चेपग्रस्त न हो, इसीलिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए दूसरे लोग इसे ग्रसित नहीं होंगे दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी बचानी पड़ेगी, ये इम्यूनिटी पावर जो है वो जब आप बढ़ाएंगे तब इस कम्युनिटी को बचा सकते हैं। तो कम्युनिटी बचाना है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, बच्चों को खास और जो
वृद्ध व्यक्ति है उनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को ये जो रोग है वो ज्यादा वायरस है, वो ज्यादा लागू होता है, इसीलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और लास्ट में मैं यही बताऊंगा, आप जहां भी जाए जैसे भी जाए दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखे। अगर कोई नहीं रखता है तो उसको समझाइए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि ये वायरस कितना खतरनाक है ये समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ये तुरंत चला जाएगा ऐसा है ही नहीं, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। जब आप इसके साथ जीने के लिए जाएंगे तो आपको इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, कि दोस्ती किस प्रकार से करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। इन बातों से ध्यान रखेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा दोस्तों। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जीवन जीना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपदाएं मुश्किलियां आई है, मनुष्य हमेशा इसके सामने लड़ा है और लड़कर जीता है, वो न हारेगा न थमेगा न रुकेगा न झुकेगा, वो हमेशा है। हम जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स तो लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, टीचर्स, अध्यापक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो बहुत सारे जो रेवेन्यू के है या पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे कर्मचारी इसमें कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं दोस्तों। आप अपने घर में रहकर कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं और लॉकडाउन के समय का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, ऐसा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहे तो कुछ नया भी सीख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ा सकते हैं, साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, नया नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, एक अपनी विशेषताओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय का सदुपयोग कीजिए, आने वाले समय में आत्मनिर्भर होइए, कुछ नया कीजिए। और दूसरी बात, जब भी बाहर निकलने की कोशिश करें तब एक बात जरूर समझ में रखिए कि कोरोना वो आपका मेहमान न हो जाए, जब तक आप उसको लेने नहीं जाएंगे वो आएगा नहीं, इसलिए आप लेकर मत आइए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आने वाले समय में आप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजे कॉलेज भेजे तब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है उसको भी सहकार दे और प्रशासन को सहकार दे, और इस युद्ध में इस महामारी में हम फिर से विजयी प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर RS राठौड़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार कहता हूं, इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी कम्युनिटी बचेगी दोस्तों, तो इम्यूनिटी बढ़ाइए, कम्युनिटी बचाइए। थैंक यू।